हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पूरा फुल डिटेल वीडियो है, इसलिए इतना लंबा बना है। 27 मिनट का, 27.5 मिनट का वीडियो बना है। तो अगर इस तरह का काम आप लोग करना चाहते हैं कि हम लोग भी इस तरह का काम करें, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें A to Z पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक कपड़ा कैसे लगता है, फ्लावर कैसे लगता है, आप स्टेज कैसे लगाए, स्टेज कितना बाय कितना का लगाएँ, वो टोटल A to Z इसमें बताया गया है। इसलिए वीडियो इतना लंबा बना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस तरह का काम आप लोग करना चाहते हैं, काम समझना चाहते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को काम करने में, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, तो आप खुद पर खुद समझ जाइएगा। तो सबसे पहले आप इसका फ्रेम का साइज़ समझ लीजिए कि फ्रेम का साइज जो है सी तो देख ही रहे हैं कि 9 फीट या 6 फीट का सी है। अभी जिसमें उसी लग रहा है वो 6 फीट का सी है, और जिसमें अभी कपड़ा लग रहा है वो भी जो है 9 फीट का सी है। इसका तो साइज आप समझ लीजिए, सी का साइज आप समझ लीजिए कि 9 फीट या 6 फीट का सी हुआ। और इसमें जब पाटा लगेगा 10 फीट, 8 फीट और 7 फीट, पाटा जो लगेगा वो 10 फीट पे 10 फीट रहेगा, 8 फीट रहेगा और 7 फीट रहेगा। स्टेज ये जो है 28 फीट पे बनता है, 28 बाय 10, लेकिन हम लोग इसे 21 बाय 10 में ही बनाएंगे। जगह का थोड़ा दिक्कत है, इस कारण जो हम लोग जो है इसमें 21 बाय 10 का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले बात इसमें तार तोड़ने का तरीका देख लीजिए, जैसे कि आप लोगों का कैंची नहीं है, कैंची हरा गया है, कैंची मिल नहीं रहा है, तो तार तोड़ने का तरीका देख लीजिए कितना बेहतरीन है तरीका तोड़ने का। तार मैं आपको दिखा देता हूँ कि तार तोड़ने का जो तरीका है इसका बड़ा ही खूबसूरत है, कैंची से काटने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं। देख लीजिए, इसको बांध दिए, हल्का सा इसको फोल्ड किए हाथ से, देख लेना आप, घिस दीजिए, इस तरह से बांधना है आराम से, इसको हल्का सा बांधिए। अब बांधने के बाद जो है बांध दिया ना, अब बांधने के बाद इसको हल्का सा फोल्ड कीजिए, ठीक है, फोल्ड किए या खींचिए, टूट गया। बस इसी तरह से आप देख लीजिए स्टेज लग रहा है, यही 7 बाय 5 स्टेज का जो साइज है, सेटरिंग जो लगेगा इसमें, इस स्टेज का जो साइज हुआ 7 बाय 5 है, 7 फीट लंबा हुआ, 5 फीट चौड़ा हुआ। तो छः पार्ट इसमें स्टेज है, जो 3 गो 1 4 से 3 गो आपको पीछे लगेगा, 3 गो आगे लगेगा, 7 या 21 और 7 या 21 लग जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 21 बाय 10। पंडाल का चौड़ाई थोड़ा कम था लंबाई, इसलिए इसमें 28 फीट नहीं लगाया गया, चूँकि जो डेकोरेशन होता है ये 28 फीट में होता है, तो इसको हम 21 फीट में ही कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको A to Z चीज़ इसमें दिखाया गया है, कपड़ा से लेकर के स्टेज कैसे सेटिंग करना है, कितना बाय कितना का स्टेज देना है, ये भी इसमें बताया गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का वीडियो जो सॉरी इस तरह का कर काम करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, तो ही आप समझ पाइएगा कि कैसे क्या किया गया है। तो जैसे कि देख ले, वहाँ सी में कपड़ा लग रहा था, उसी लग रहा था, यहाँ स्टेज लग रहा है, दो बंदा वहाँ सी में 9 फीट या 6 फीट जो सी था उसमें कपड़ा ला करके उसी लगा रहा है, और 2 बंदा यहाँ स्टेज सेटिंग कर रहा है, तो काम इसी तरह से खींचा जा रहा है। आज ही का ही काम है, आज ही फाइनल देना है, इसी हिसाब से 2 बंदा स्टेज सेटिंग करेगा, 2 बंदा अपना फ्लावर का काम करेगा। तो स्टेज का आप साइज समझ लीजिए, समझ लिए हैं कि 21 बाय 10 लगा हुआ स्टेज का साइज, 21 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। मैं बार बार आपको बता दूँ कि ये जो काम है ये 28 फीट में होता है, लेकिन पंडाल में जगह के कमी के कारण ये 21 फीट में ही किया जा रहा है। देख लो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहूं पूरा ऑल डिटेल के साथ और आप लोगों को मिलता रहे, ताकि अगर इस तरह का डेकोरेशन आप लोग करना चाहें तो किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए स्टेज अपना सेटिंग कर रहे हैं, यहाँ से उसी आपको लग चुका है, देख रहे ना, 9 फीट में उसी लग चुका है, 9 फीट में उसी लगने के बाद इसी 9 फीट में उसी सॉरी 6 फीट में उसी लगने के बाद जो है 9 फीट में उसी लग रहा है। तो चूँकि 6 फीट में व्हाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ था, ये 9 फीट में जो पीला कलर का कपड़ा लगा हुआ है उसी लग रहा है। उसके बाद जो है 6 फीट का, 6 फीट के सी में जो फ्लावर लगाया जाएगा उसमें ओनली फिर ऑर्किड का काम होगा। आप लोग पास जो ऑर्किड जो फ्लावर है वो फ्लावर में आप काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो फ्लावर हम यूज़ करते हैं या जो कपड़ा पानी हम जैसे कि ये सी में पानी कपड़ा लगाए हुए तो पानी हम कपड़ा यूज़ करते हैं, आप भी पानी कपड़ा यूज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं है। जो भी कपड़ा आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो लैकरा कपड़ा हो या रोटो कपड़ा हो या पानी जो भी हो, वो कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, जो कलर का कपड़ा हो जो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो फ्लावर है वो फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम आज जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली फॉर ऑर्किड
ओनली फॉर ऑर्किड तीनपति लटकन जो आता है मिस्टीरियम वही का काम होगा, स्टेज में वही काम होगा ऑर्किड तीनपति लटकन, इसमें कार्नेशन का काम नहीं किया जाएगा। तो 6 फीट के सी पे गार्डन होना शुरू हो चुका है, देखिए 6 फीट का सी जो है उसमें गार्डन होना शुरू हो चुका है। इसमें ओनली फॉर वाइट ऑर्किड लगेगा, इसमें ओनली फॉर वाइट ऑर्किड, और 9 फीट का जो सी है उसमें कलरफुल ऑर्किड लगेगा, 2 कलर से 3 कलर जो भी हो वो कलरफुल ऑर्किड लगेगा। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो फ्लावर है वो फ्लावर यूज कीजिए, जरूरी नहीं है कि जो हम यूज करते हैं वही आपको यूज करना है। ऑर्किड कैसे लगता है आप भी आप सीख सकते हैं, ऑर्किड अगर लगाना नहीं जानते होंगे तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं, अगर नहीं अगर गार्डन करना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी सीख सकते हैं। ठीक, ओनली फॉर ऑर्किड का गार्डन कैसे किया जाता है, ओनली फॉर ऑर्किड का गार्डन कैसे किया जाता है, ऑर्किड और कार्नेशन मिक्स गार्डन कैसे किया जाता है, वो सब मेरे चैनल पर अपलोड है। बस आपको चैनल पर जाना है, वहाँ पर वीडियो में जा करके सर्च मारना है कि फ्लावर गार्डन कैसे करें, ऑर्किड और कार्नेशन मिक्स गार्डन कैसे करें, या ओनली फॉर कार्नेशन गार्डन कैसे करें। वो टोटल वीडियो आपको मिला हुआ है, वीडियो डाल अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो मुझे कमेंट कीजिए, जो भी वीडियो का आपको लिंक चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको भेज दूँगा, वीडियो का लिंक भेज दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं एक बार और आपको बता दूँ, इसका अगर साइज आप समझना चाहते हैं तो जनरली ये 28 फीट पर डेकोरेशन होता है, 28x10, 28 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, लेकिन जगह नहीं होने के कारण 21x10 में डेकोरेशन किया गया है, 21 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा। और इसका जो साइज है फ्रेम का 20 सेंटर में जो लगता है 9 फीट और 6 फीट का सी, और दोनों साइड में जो पाटा जो लगता है, पाटा जो लगा हुआ है, देखिए स्क्रीन पर फोटो आप देख रहे हैं, पाटा जो लगा हुआ है वो 10 फीट 7 फीट, पाटा का साइज यह हुआ 10x3, 8x3 और 7x3, और सी का साइज हुआ 9 फीट, एक सी का साइज हुआ 6 फीट। तो ये फ्रेम का साइज हुआ, स्टेज का साइज आप समझ गए 21x10। Thank you.
हैं।